हैं खबर क्यों। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाओं को लेकर संबोधित करते हुए एवं जनता को स्वास्थ्य के बारे में समझाते हुए श्री लोधी ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पतालों में मरीजों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े इस काम के लिए दिन भर दिन कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं श्री लोधी। एसटीएनएस की रिपोर्ट। आज खंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का यहाँ आयोजन किया गया है। मैं छतरपुर से बहुत ही हर विषय के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हैं, उनकी टीम यहाँ आई हुई है जो लगातार हमारे क्षेत्र के जितने भी ब्लॉक के हमारे हितग्राही हैं वो आए हुए उनका इलाज कर रहे हैं। साथ ही एक डिजिटल हेल्थ आईडी उसका भी शुभारम्भ किया गया है। उनका भी हम लोग कह रहे हैं कि सभी लोग अपना हेल्थ आईडी बनाएं, जिसमें उनका पूरा का पूरा डाटा रहेगा। कहीं भी वो अपना नंबर बताएंगे, किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो तत्काल उनका डाटा, बीमारी का डाटा उसमें आ जाएगा। ऐसी व्यवस्था भी हमने यहाँ करी है। साथ में सब लोगों को बता रहे हैं कि जो भी मातृहितग्राही हैं उनके आयुष्मान कार्ड यदि बन जाएंगे तो आप निश्चित रूप से 5 लाख रुपए तक का इलाज, जो भी हमारे हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल हैं जो राज्य सरकार से एफिलिएटेड हैं उनमें 5 लाख रुपए तक का इलाज उनको मिल जाएगा। ऐसे कई विषयों पर आज ये स्वास्थ्य मेले का आयोजन यहाँ किया गया है। और आज यहाँ पर एक टीबी नॉट मशीन भी यहाँ लगाई गई है जो तपेदिक जो टीबी की जो बीमारी होती है उसका जिससे जाँच होती है उस जाँच का यदि हम प्राइवेट में कहीं जाँच कराते हैं तो 2500 से 3000 रुपये उसका खर्चा आता है। अब वो मैंने यहाँ पर हम सरकार ने मशीन लगाई है उसमें फ्री में उसकी जांच होगी और यदि इसका मतलब जो रिजल्ट है वो 99% एकदम क्लियर है कि पॉजिटिव ही आता है, मतलब सही आता है। तो यदि कोई पॉजिटिव हुआ तो उसका तत्काल इलाज भी शुरू हो जाएगा। सरकार की मशीन का आज मैंने यहाँ पर कितने घंटे मैं अभी 2-3 घंटे से करते रहते हैं। तेरा तो अर्पण क्या लागे मेरा, हम तो आ जाते हैं जहाँ मिल गई, जहाँ दो रोटी मिल गई वहाँ खा के आराम कर लेते। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।